Hello everyone, welcome back to our channel. Today is fourth day of not washing my hair. My hair look really bad right now. वो आपको देखकर ही पता चल गया होगा. And today I'm trying the heatless curl hairstyle, जो उसके लिए मैंने अपने पुराने वीडियो में पूछा था and आपने सबने कहा था that you should try it. So we are trying that today. We are going to convert these trash looking hair into beautiful curls. I will also be talking about few things that I'm going to do for my hair and I'm already doing for my hair. So you guys must not skip even a single second of this video. This is very important for people who are facing thinning in their hair or may be facing a lot of hair fall. So guys, keep watching. So all we need is a legging. ये मेरी बड़ी पुरानी legging है, तो मैंने इसको ले लिया है. इससे ही हम हमारे heatless curls बनाने वाले हैं. कैसे होगा वो आप देख लेना. And we also need a spray bottle, जिसमें हमें पानी भरना है, जो कि मेरी आंटी अभी तक लाई नहीं है. मैं लेकर आती हूँ. Got it. ओके, तो मैंने प्रोसेस देखी थी, जो कि मुझे थोड़ी ठीक ठाक ही लगी. मतलब ऐसा हो जाता है कि आपके बाल ना बड़े ऐसे यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती. तो मैंने सोचा बहुत सही है यार, कर लेते हैं. अभी मैं अपने बालों को कोम करूँगी. नाउ फर्स्ट वी विल स्प्रे दिस इन आवर हेयर. ओ भाई, कहाँ जा रहा है? लाइक पूरे बालों में. अब इधर. ठीक है, स्प्रे वाली चीज़ डन हो चुकी है. अभी आपको ऐसे लेगिंग लेनी है. ओ सीधी हो जा. और इसको ना ऐसे मतलब इकट्ठा करना है इस तरीके से. एंड यू नीड टू प्लेस इट ऑन योर हेड. यार मुझे करने दे थोड़ा, और बालों को ना गीला कर लेते हैं. मुझे लग रहा है सूख गए हैं. एंड नाउ वी विल टेक दिस एंड रैप इट अराउंड द लेगिंग लाइक दिस. मेरी बहन है ना यार, मुझे वापस खोलना पड़ेगा और उसको वापस से लेना पड़ेगा और मुझे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, स्टार्टिंग दिस अगेन. मैंने बोला कि जिन्हें हेयर थिनिंग वगैरह हो रही है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी एट अ पॉइंट हो गई थी. बट आई समहाउ कोप्ड फ्रॉम दैट सिचुएशन. और ये बांध दिया एंड है ना, इसको बस हमें ऐसे लेना है और ना बालों में. अभी मेरे यहीं तक आया. यूजुअली लोगों के यहाँ तक आ जाता है, मेरे नहीं आया. मैं ये ना बिल्कुल दिन में कर रही हूँ. मैं मतलब रात का सीन नहीं रख रही हूँ. ओवरनाइट कर्ल्स नहीं बोल सकते इनको. मैं पूरे दिन आज ऐसे ही घूमूंगी और आपको जो मेरा पूरा दिन है ना, वो भी थोड़ा सा दिखा दूंगी कि मेरा खाने में क्या होता है. ओए, बॉल कैसे टूट गया मेरा. लो के बालों में चला जाता है. अच्छा, नाउ इज़ द ट्रिकी पार्ट. ये आपने खोला और ये जो ये रह गया है ना, ये आप क्या करोगे, इसमें ऐसे डालोगे ये, और ये भी आप इसमें ऐसे डालोगे. मुझे पता है मैं कैसी लग रही हूँ. मतलब बकरी जैसी लग रही हूँ. तो ये काफ़ी सही तरीका है, क्योंकि मेरे क्या ये जो मेरे ऐसे कह रहे काफ़ी लंबे रहते, मुझे परेशान करते. तो अभी ये इसमें आ गए और मैं ऐसे भी कर सकती. अभी हो जाए दिन के 2:30, तो हम वेट करेंगे. यार मैं सोच रही हूँ इसको ना शाम में हटाऊँ. तो मैं ना आपको हटा के दिखाऊंगी. सोचूं इनको ना शाम में निकाल दूं एंड उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं. मीनवाइल मुझे आप सबसे एक चीज़ डिस्कस करनी थी. सो आई वेंट टू माय डॉक्टर अगेन एंड उन्होंने मुझे बोला कि नाउ योर थिनिंग एंड ऑल इज़ फाइन. नाउ नो मोर थिनिंग इज देयर. आपको थिनिंग नहीं हो रही है अब. नाउ योर हेयर इज़ फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, योर हेयर इज ऑल्सो हेल्दी. बट क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको लॉन्ग टर्म थिनिंग हो जाती है, तो आपके जो फॉलिकल्स हैं वो डेड हो जाते हैं. मतलब कि अब उनमें हेयर ग्रोथ नहीं होती. किसी किसी केस में से मेरे कुछ केस में है, जैसे यहाँ पर हल्का सा, यहाँ पर हल्का सा. बाकी हेयर ग्रोथ मेरी काफ़ी अच्छी है. मेरे को बहुत सारी हेयर ग्रोथ दिखने को मिली है इस एरिया में, यू नो, पीछे वाली एरिया में. तो मतलब छोटे छोटे बाल आना चालू हो गए. तो डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बोली, देखो आप अनियन जूस यूज़ करो, फ्लेक्सी यूज़ करो, एवरीथिंग इज़ फाइन. वो सब कुछ आपके लिए वर्क करेगा, नो डाउट. बट इट इज़ अ स्लो प्रोसेस बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. बट अगर आपको इसी को जो बोलते हैं ना ट्रिगर करना है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा और तेज करना है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर PRP. नाउ व्हाट इज PRP? PRP इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. आपके ब्लड में से प्लाज्मा अलग करके आपकी मतलब यहाँ से कहीं से वो निकालते हैं आपका ब्लड, उसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं और आपकी स्कैल्प पे इंजेक्ट किया जाता है. नाउ दिस इज अ प्रोसेस दैट आई वॉज यू नो आइंग ऑन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं सोच रही थी कि यार पता नहीं कैसा होता है, क्या होता है, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू आस्क माई डॉक्टर. इट सेड यू कैन गो फॉर इट. ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल प्रोसेस. आपका खुद का ब्लड आपके सर में जाता है. यू गाइस कॉमेंट एंड लेट मी नो, डू यू वॉन्ट मी टू ट्राई इट? सो एटलीस्ट यू डोंट हैव टू. आपको इसके कॉन्स प्रोज सब कुछ पता चल जाएगा. काम करता है या नहीं करता है, कितनी देर में करता है, सेफ है या नहीं है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगी. बट ओनली इफ माई ऑडियंस वॉन्ट मी टू डू इट, आई विल डू इट. बट थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हैं, तो मैं सोचती हूँ अगर मेरी ऑडियंस चाहती है तो ऑफकोर्स आई विल गो फॉर इट. सो कॉमेंट डाउन एंड जस्ट लेट मी नो कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं. कंसिडर दिस वीडियो एज अ पोल, येस और नो. तो आप जैसे भी कॉमेंट्स होंगे उस हिसाब से मैं करूंगी. अच्छा, बहुत लोगों ने ना मुझसे मेरी बीटरूट जूस वाली जो रेसिपी है वो पूछी थी, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगी. वो टेस्टी तो कुछ खास नहीं होता, बट इट्स गुड, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर मोस्ट इंपॉर्टेंटली. एंड जिनको भी मेरी तरह एनीमिया है वो लोग इसको पी सकते हैं, हीमोग्लोबिन आपका बढ़ेगा. इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें, आप इसमें पालक ऐड कर दो, इसमें आयरन भी आ जाएगा. बालों के लिए भी अच्छा है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. आज बन रहे चावल और सांभर चावल बनेंगे आज. आप सबको पता है कि मुझे सांभर बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैंने आज आंटी को स्पेशली बोल के ना चावल बनवाए. और ये खा रही है इडली 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 इडली. तो मतलब जो लोग चावल नहीं खाते उनके लिए इडली है. मैं थोड़ी और सेफर साइड पे, क्या होता है जब इडली बनती है तो मैं बहुत ज्यादा खा जाती हूँ, फिर वो ओवर ईटिंग हो जाती है. ये भी पार्सल आया है, मेरे रोजमेरी हाइड्रोसोल खत्म हो गए थे, तो ये एकदम खाली शीशियाँ हैं. ये देखो, ये जाएंगी इसमें कचरे में. और मैंने इसमें से जितनी, मैंने 4 मंगाई थी एक साथ, चारों मेरी आ चुकी है. मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ पड़ी है. ये है मेरा रूम. ये देखो, ये 2 नई की नई मैंने यहाँ रखी है. बाकी जो पैक्ड है वो ये रही, ये दोनों मैंने यहाँ रख दी. इसमें मेरा सामान पहले जमा रहता था, अभी मैंने ऑलमोस्ट निकाल के सारा मेरा मेकअप वाले में रख लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या गिर जाती है चीजें. सो इट्स अराउंड 6 in the evening एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अब हो चुका होगा. मैंने इयररिंग्स भी निकाल दी, मुझे यहाँ से बड़े चुभ रहे थे. सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, आई मीन दिस हैक वर्क्स और नॉट. ये खुल जा भाई, एक साइड खुल चुका है और दिख भाई नहीं, आई डोंट बिलीव दैट. मैंने इसको कितना 3.5 घंटे ही रखा है, कुछ 3.5-4 घंटे रखा है, इससे ज्यादा नहीं. इसका भी रबड़ हमारे हाथ में आ गया है. ओह वाह, ओह माय गॉड, नो वे यस वे. Look at this. This is amazing, man. Guys, you must try this hack. Look at these beautiful curls in the end. My God. अगर मैं कर्लर से भी करने बैठती ना तो ये इतने अच्छे टाइट कर्ल्स नहीं होते. My God, I am just shook. My mind is blown and I am shook. Look at this. What else do you want? वो भी बिना डैमेज के कुछ नहीं. मतलब आपको अगर किसी फंक्शन में जाना है, 3 घंटे पहले, मतलब मैं बता रही हूँ मैंने 4 रखे हैं, बट ठीक है 3 घंटे में भी आपको इतने अच्छे कर्ल्स मिल सकते हैं. This hack is a total hit for me. मैं जाके ना सबका रिएक्शन भी लेती हूँ मेरे सुंदर कर्ली बालों पे. चलो guys, ये देखो मेरे नेचुरल कर्ल्स. ये नेचुरली हुआ है, मैंने कुछ यूज नहीं किया. बहुत सुंदर लग रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं. इसके डाइसन से तो हो नहीं पाया, पर देखो यार, मतलब मजा आ गया यार, मतलब बहुत ही सुंदर. वाओ, पूरा चुकंदर को बनाएंगे तो इसी में ही, अच्छा इसी में हम 3 आमला डाल सकते हैं. तो ये 1 ग्लास हो गया. 1 ग्लास नहीं, 1 ग्लास से ज्यादा बनेगा. अच्छा, ये 1 ग्लास से थोड़ा ज्यादा बनेगा. मीडियम साइज वाला लेंगे तो हाँ, तो मीडियम वाला ले लो. डन. देखो आप 1 ग्लास एग्जैक्टली, तो आप इतना लोगे तो ये 1 ग्लास पूरा बन जाएगा. और मैं इसको क्या कुछ पानी वानी कुछ नहीं मिलाती हूँ, उसमें प्योर इसी का जूस निकलता है. अच्छा, आंटी ने मुझे भी बताया कि जब इसको मिक्सी में डालता है उस टाइम थोड़ा सा पानी डालता है, ठीक है. ये है मेरा बीटरूट का जूस. दैट डजंट टेस्ट गुड बट इट्स indeed good for your body and skin and hair, so yeah, it's not that bad. This is day 2 और कल मैं अपना vlog जैसा जो ये वीडियो बना है इसको एंड करना भूल गई थी, बट या देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट आई शेयर विथ यू. मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की. प्लीज जो भी मैंने आपसे पूछा है उसका मुझे कमेंट में आंसर जरूर देना, मैं वेट करूंगी सबका. ये दिस इज लाइक समथिंग दैट आई एम डूइंग ओनली फॉर माय ऑडियंस, सो या प्लीज अपडेट मी ऑन दैट. एंड जो हमने ट्राई किया था, जो आप लोगों ने मुझे बोला था ट्राई करने के लिए, वो वर्क किया. सो यस, आप भी ये जो हीटलेस कर्ल वाली चीज अब बिल्कुल ट्राई करो. इनफैक्ट किसी फंक्शन से पहले आप ये चीज करोगे ना भाई, क्या सही वाले कर्ल्स आते हैं. प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑफ योर skin and your hair because that's very very important. So मिलते हैं next video में. I hope आपको ये video पसंद आया होगा. Video अच्छा लगे तो like, comment, share, subscribe जरूर कर देना. मिलते हैं next video में. तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए. Keep glowing. Bye bye.